मैं सबसे पहले भारत माता के महान सपूत, भारतीय राजनीति में गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के बारे में एक स्पष्ट और पारदर्शी सोच को स्थापित करने वाले सदैव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि आज से 53 वर्ष पूर्व आज ही के दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने भौतिक काया को छोड़ करके हमसे अलग हुए थे, लेकिन उनकी उपस्थिति, उनके विचारों के माध्यम से, उनके विचार दर्शन के माध्यम से निरंतर पार्टी को और समाज को अनुप्रेरित करती रही और आज उसी का परिणाम है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इस अंत्योदय और एकात्म मानव दर्शन के प्रेरणा प्राप्त करके आज केंद्र और प्रदेश सरकार देश के गांवों के बारे में, देश के गरीब के बारे में, महिलाओं के बारे में, युवाओं के बारे में, समाज के प्रत्येक तबके तक विकास की योजनाओं को पहुंचाने के बारे में कुछ सोच पा रही है, कुछ कर पा रही है, तो वास्तव में इसके प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय ही है। आपने कभी सोचा होगा, आप सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले कार्यकर्तागण हैं और आपने कभी इस बात को सोचा भी नहीं होगा कि वास्तव में कोई राजनीतिक दल ऐसा भी होगा कि जो केवल बोलने में नहीं बल्कि जो बोला जाए उसका ईमानदारी पूर्वक क्रियान्वयन भी हो सके, इसको ध्यान में रख करके अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाए। और यही तो हुआ है। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश की कमान संभालते हैं तो उस समय उन्होंने एक ही बात कही थी, लोग ये मानते थे मोदी जी आएंगे पता नहीं क्या हो जाएगा, मोदी जी आएंगे देश के अंदर पता नहीं कैसी स्थिति पैदा होगी। लेकिन पहला ही वक्तव्य मोदी जी का जो आया था, वो वक्तव्य आया था कि मैं इस देश के लिए गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए ईमानदारी पूर्वक कार्य करूंगा और शासन की योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचाऊंगा। मोदी जी ने 26 मई 2014 को जो बात कही, 26 मई 2014 को कही गई उनकी बातें आज उनके द्वारा लागू की गई योजनाओं के माध्यम से देखने, समझने और सुनने को मिलती है। कोई सोचता था भारत जैसे देश में 6 वर्ष के अंदर 2 करोड़ लोगों को आवास मिल जाएगा, कोई सोचता था 10 करोड़ लोगों को शौचालय मिल जाएगा, 8 करोड़ लोगों को रसोई गैस के सिलेंडर मिल पाएंगे, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल पाएगा, 35 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुल पाएंगे, देश की आधी आबादी 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर पाएगी, हर घर तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लक्ष्य को लेकर के जल जीवन मिशन लागू हो पाएगा, 1947 से लेकर के 2014 तक एक सपना था, लेकिन 2014 के बाद हमने अपनी आंखों से इसको हकीकत में बदलते हुए देखा।
यह हकीकत जिसे आज व्यवहारिक रूप से मोदी जी धरातल पर उतार रहे हैं, इसकी प्रेरणा के असली स्रोत कोई है तो वह है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वह सोच और दर्शन, जिसमें उन्होंने गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए घोषणाएं की थी और जिसके लिए उन्होंने उसका एक विचार व्यक्त किया था, भारतीय जनसंघ कैसे काम करेगा, भारत की आर्थिक नीतियां किस पर केंद्रित होनी चाहिए, भारत के अंदर हम किस प्रकार की व्यवस्था से भारत का सर्वांगीण विकास कर पाएंगे, ये सभी भाव उसमें स्पष्ट देखने को मिलते थे। और आज यही कारण है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रासंगिकता केवल भारत नहीं विश्व मानवता उसे स्वीकार करती है, उसे अंगीकार करती है हर एक फील्ड में। आज अगर भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता बनी है और भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरा है, तो अपने स्पष्टवादिता के कारण, अपने कैडर बेस्ड कार्यकर्ताओं के बल पर और साथ साथ अपने नेतृत्व की एक स्वच्छ शुद्ध छवि के साथ साथ अपनी स्पष्ट विचारधारा और बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को हर एक नागरिक तक पहुंचाने के लिए। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे बीच में नहीं, अपनी भौतिक काया का विसर्जन उन्होंने आज से 53 वर्ष पहले कर दिया था, लेकिन उनका विचार दर्शन आज भी हमें निरंतर अनुप्रेरित कर रहा है जीवन के हरेक फील्ड में। यही कारण है कि कोरोना के दौरान जब दुनिया पस्त थी, पूरी दुनिया जब अस्त व्यस्त थी, तब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अगर एक गरीब के लिए, एक किसान के लिए, एक प्रवासी मजदूर के लिए अपनी जान की परवाह के बगैर कार्य कर रहा था, इसके पीछे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच थी। अगर वह कार्य कर रहा था इसलिए क्योंकि उसे मालूम है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रेरणा हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ में है और उनकी प्रेरणा उस गरीब के लिए है जो अपनी नौकरी छूटने के कारण, लॉकडाउन के कारण प्लान करने के लिए मजबूर हुआ, लेकिन मुझे उसकी चिंता करनी है, स्वयं की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि स्वयं की चिंता अगर मैं करूंगा तो फिर क्या स्थिति होगी। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपने हमेशा अपने वक्तव्य में एक बात को कहते थे, उनकी जो बातचीत होती थी, जिन बातों को लगातार फोकस करते थे, आदि शंकराचार्य की जीवनी जब उन्होंने लिखी तो उसमें उन्होंने आदि शंकराचार्य की जीवनी में इस बात को स्पष्ट किया कि जब आदि शंकराचार्य भिक्षाटन के लिए जाते हैं, एक घर के सामने जाते हैं, बड़ी हवेली होती है, वे भिक्षाम देही का जैसे ही आह्वान करते हैं, इससे पहले कि घर की मालकिन भिक्षा लेने के लिए घर के अंदर जाती है, भिक्षा लेकर के आती है, उनकी नजर उस हवेली के सामने पड़ी हुई एक झोपड़ी में निकल रही करार पर पड़ती है और उनके मन में बात कौंद उठती है कि इतनी बड़ी हवेली के सामने इस छोटी सी झोपड़ी में एक व्यक्ति भूखों करा रहा है, क्या इन लोगों की आवाज इस करा पर नहीं पहुंच पा रही है क्या? और अगर नहीं पहुंच पा रही तो इसका मतलब कहीं ना कहीं संवेदना की कमी है, ऐसा ना हो कि मैं भी इस अन्न को ग्रहण करके संवेदनहीन हो जाऊं। तो उन्होंने तय किया कि मैं हवेली से आने वाली भिक्षा को भी ग्रहण नहीं करूंगा। और आदि शंकराचार्य जैसे घर की मालकिन भिक्षा लेकर के आती है और भिक्षा लेने के लिए उनसे आग्रह करती है, उन्होंने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, आपके घर के सामने इस भिक्षा की आवश्यकता मुझे नहीं है, लेकिन आपके घर के सामने इस झोपड़ी में निवास करने वाला यह व्यक्ति जो भूखों से करा रहा है, अगर भिक्षा आप उसको दे देती तो संभवतः आपको ज्यादा पुण्य लगेगा, बशर्ते मुझ जैसे व्यक्ति को भिक्षा देने की तुलना में। और आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का करोड़ों कार्यकर्ता लॉकडाउन के अंदर, पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी सामाजिक संगठनों के साथ किसी एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता वहां पर सहयोग के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दिया था, वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। मार्गदर्शन प्रधानमंत्री मोदी जी का जरूर था,
प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी की जरूर थी, आदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जरूर था, लेकिन भाइयों बहनों उसके अंतःकरण में भाव तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ही था। और आज जब हम 53वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सदैव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का स्मरण कर रहे हैं, उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, हम सबको इस बारे में सोचना होगा। भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया के अंदर सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में, अपने एक अलग पहचान बनाने वाले दल के रूप में इसलिए स्थापित हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भारतीय जनसंघ के समय से ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कुछ बातें, कुछ मूल्य, कुछ आदर्श, कुछ सिद्धांत उनके लिए सुनिश्चित किए थे। और जब तक हम इन मूल्यों, इन सिद्धांतों के साथ चल करके अपने सार्वजनिक जीवन में आगे बढ़ेंगे, हम अपने इस विचार प्रवाह को इसी रूप में आगे बढ़ाने में, ले जाने में सफल होंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं पूरे प्रदेशवासियों की ओर से अंत्योदय और एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को नम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सबका आह्वान करूंगा कि हम सभी पंडित जी के बताए हुए उन मार्गों का अनुसरण करते हुए लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति भी मैं अपने हृदय से मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए आप सबको मौनी अमावस्या की भी हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।